ये देखिए दोस्तों, अभी ये जो है ना पूरे स्पिल यहाँ से पूरे कंप्लीट कटे हुए हैं, तो यहाँ पे पूरा वेडिंग से पूरा भर के एकदम उसका कंप्लीट लेवल कर दिया जाएगा। इसके ये दोनों के देखो, दोनों को पूरा कटे हुए हैं, देख लो आपको दिख रहा होगा। देखो यहाँ पाक पूरा कट गया है, ये वाला कंप्लीट कट गया। अभी यहाँ पे अपन वेडिंग भरने जा रहे हैं। अभी ये देखिए दोस्तों, ये तो स्पिनल के बूस हैं, एक साइड से पूरे कट गए थे। ये देख लीजिए आप, इस साइड से पूरे कट गए थे। ये इसके जो है ना, ये स्पिनल के बूस हैं, ये देखो पूरे कट गए थे। अभी इसके अंदर नए मेरे आते हैं, पहले से लगा लिए थे। ये देखो ये कम्प्लीट बूस नए लगा लिए हैं कम्प्लीट दोनों साइड में। ये देखिए ये दोनों साइड में कम्प्लीटली बूस लगा लिए हैं। अभी वो स्पिनल कट होगा, कट करने के बाद में इसके अंदर भी कम्प्लीटली अपन बोरिंग करते हैं ना, इस हिसाब से इसमें पूरा हैमर होगा और कम्प्लीट उसको सेट करना पड़ेगा। दोस्तों इसमें भी लगा लिए हैं, ये देखो ये इसमें भी बूस लगा लिए हैं कम्प्लीटली। अपन सफाई तो अपन धोने वाला काम तो अपन अपने ऑफिस में करेंगे, गैरेज में करेंगे। देखो कम्प्लीटली चारों बूस इसमें नए डाल दिए हैं। ये देखिए दोस्तों, इसका जो फॉर्मूला है ना कम्प्लीट है बिल्कुल, भी इसके अंदर एक इंच कहेंगे तो भी गैप नहीं है। देखो ये परफेक्टली, ये बहुत सारा अपन हिला रहे हैं लेकिन बिल्कुल नहीं हिल रहा है। देखो ये सिस्टम पूरा कम्प्लीट हो चुका है। यहाँ पे मैंने वेडिंग भी लगा लिया है। क्यों वेडिंग लगाया है, इसका कारण ये है दोस्तों कि बाद में फिर क्या है, इसके नट जो खुल जाते हैं ना और यहाँ से ढीला हो जाते हैं तो अंदर का बूस घूम जाता है साथ में, जिसकी वजह से मैंने यहाँ पे वेडिंग कराया तो अपन को ये दिक्कत नहीं आएगी। और कम काम जो है ना परफेक्टली एकदम 100% हो चुका है सेंटर पिन का दोस्तों। तो देखिए और इस ये देखिए दोस्तों, वेडिंग करने के बाद में इस हिसाब से इसको पूरा कम्प्लीटली, देखो ये वेडिंग मैंने करवाया है, ये भाई साहब कर रहे हैं मैकेनिक साहब, तो इस हिसाब से देखो ना पूरा वेडिंग करेंगे। वेडिंग करने के बाद इसको ठंडा होने देंगे, ठंडा होने के बाद एक बार और वेडिंग करेंगे, फिर उसके बाद में लेट के ऊपर उसका टर्निंग करेंगे। और ऐसा कैसा सिस्टम इसमें भी करना पड़ेगा दोस्तों, या इस पर भी देखो ये पूरे कटे हुए हैं ना, इसको दो बार वेडिंग करना पड़ेगा, फिर ठंडा होगा, फिर वेडिंग करना पड़ेगा, तब जाके अपना काम परफेक्टली होगा दोस्तों। इस हिसाब से पूरा जजमेंट है दोस्तों। देखिए अभी वेडिंग करने वापस, इसमें वेडिंग भी पूरा लाइन के हिसाब से करना पड़ता है, लाइन की लाइन वेडिंग करना पड़ता है। अगर ऐसे छोटे छोटे वेडिंग करेंगे तो बिल्कुल काम नहीं आएगा दोस्तों, तो फिर उसके अंदर क्या है पूरे वेडिंग के पॉइंट रह जाएंगे, लेकिन यहाँ पे वेडिंग करेंगे तो पॉइंट बिल्कुल नहीं रहेंगे और एकदम पूरी लाइन की लाइन वेडिंग करनी पड़ती है एकदम जेनुइन टाइप में कंपनी के मुताबिक एकदम। ये देखिए दोस्तों, ये इस हिसाब से है ना, ये कंप्लीट इसको वेडिंग भरवा दिया है कम्प्लीट इस हिसाब से। देखिए ये देखो, ये जो इसके सेंटर वाले हैं ना, मेन पार्ट है जो बोलते हैं उसको सेंटर वाला है, ये देखो इसको भी इस हिसाब से पूरा भराया है कम्प्लीटली। ये दूसरा वाला स्पिंडल है, दूसरा वाला स्पिंडल, इसको भी इस हिसाब से भराया। अभी इसको लेफ्ट मशीन पे स्टार्ट लगा के ये देखिए इस हिसाब से पूरा जो मशीन है, दूसरा वाला पॉइंट लगा रहे हैं। अभी इसको या इससे क्लियरली इसकी जो है ना, इसके शेप की पूरी कंप्लीट पॉलिश आ जाएगी दोस्तों। अभी इसको कम से कम 3 बार तो उन्होंने भाई साहब ने वेडिंग कराया था और 3 बार इसको ठंडा किया, उसके बाद में अभी 3री बार इस पर टन लगा रहे हैं। ये लास्ट चौथी वाला पॉइंट है, तो इसको लगाने के बाद में ये परफेक्टली अपना स्पिनल कम्प्लीट तैयार हो जाएगा दोस्तों।
ये अभी इसका जो है ना ये लेवलिंग वाला पाटा जो बैंड था वो भी इसको अपन सीधा करने हैं दोस्तों। ये देखिए दोस्तों कम्प्लीटली एकदम सीधा हो गया है। ये देखिए इस हिसाब से मैंने कम्प्लीट इसका दोनों को बैंड निकलवा दिया है, परफेक्टली सेट हो गया है अपनी अपनी। ये इसकी लास्ट पोर्शन में इसकी पॉलिश हो रही है दोस्तों। ये देखिए दोस्तों अपना प्रोसेस है, ये देखो ये कम्प्लीटली स्पिंडल कम्प्लीट तैयार है और ये मैंने पहले वेल्डिंग करवाया था ना ये वो कंडीशन है। तो अभी थोड़ी देर के बाद में इसको भी इस हिसाब से पूरी कंडीशन सही सेट कर देंगे। ये देखिए कम्प्लीटली ये परफेक्टली अपना स्पिंडल एकदम से तैयार है। अभी ये इसमें तो अपन ने लगाया था ना स्पिंडल में बूश, इसको अभी बूशिंग हो रहा है, इसको अपन हॉर्निंग करने जा रहे हैं। देखिए इस हिसाब से इसका जो स्पिंडल है ना पूरा कम्प्लीटली हॉर्निंग होता है, अंदर से बूश कट होता है, इसको परफेक्टली स्पिंडल में फ्री आता है ना, गैप बिल्कुल नहीं होना चाहिए और इस पैनल के अंदर कंप्लीट फ्री आता है ना, इस हिसाब से इसको कंप्लीट शेयर करना पड़ता है दोस्तों। जैसे जैसे अपन टाइट करते जाएंगे जैसे जैसे ये बड़ा होता जाएगा और अपना ये काम हो जाएगा परफेक्टली, इस हिसाब से इसको शेयर करना पड़ता है। ये देखिए अभी वापस एक बार लगा लिया था, आप दूसरी बार लगा रहे हैं, ऐसी प्रोसेस कम से कम 5-6 बार करना पड़ता है जब जाके इसका स्पैनल जो है ना परफेक्टली सेट होता है दोस्तों। ये देखिए ये चौथी बार हो रहा है दोस्तों, अभी आपको आवाज़ आता होगा इसका, ये देखो इस हिसाब से। अरे इस हिसाब से पूरा जो बुश है ना कट होता है दोस्तों। ये देखिए परफेक्टली इसका अपना साइज जो है वो सेट हो गई है, ये कम से कम 5 बार हमने किया इस हिसाब से, बाहर निकाल के वापस टन लगाया जब जाके परफेक्टली साइज हो गया। और ये देखिए ये जूस फिटिंग किया हुआ है इसका मसाला, ये देखिए एकदम से फ्री हो गया, इसके अंदर बिल्कुल भी गैप नहीं है, ये देखिए एकदम बिल्कुल। ये देखिए दोस्तों मैंने कम्प्लीटली इसकी जो है ना कैसे कम्प्लीट रेडी करवा दी थी, अभी यहाँ पे मैंने इसको कम्प्लीट सफाई करके सेट किया हुआ है और आपको अभी मैं इसका गैप दिखाता हूँ। देखो इसके अंदर बिल्कुल भी अभी गैप नहीं है क्योंकि ये देखिए दोस्तों इसकी जो है ना सेंटर पिन मैंने कहीं कंप्लीट नहीं लगा ली है और ये वाला जो आपको दिख रहा है बूश ये भी मैंने कंप्लीट लगा लिया, और यहाँ पे भी इसका सेंटर का बूश में थोड़ा गैप था तो उसको भी मैंने बूश डबल लगा के इसको भी कंप्लीट सेट कर दिया है। और दूसरी ये देखिए यहाँ पे जो इस हिसाब से बिल्कुल भी गैप नहीं है, ये देखिए अंदर मैंने बूश लगवा लिया इसको भी और इसको भी परफेक्ट सेट कर दिया है। ये देखिए इस हिसाब से बोल्ट के अंदर बिल्कुल भी गैप नहीं है दोस्तों, क्योंकि ये दोस्तों जो इसका सेंटर वाला बोल्ट है ना ये वाला बहुत मेन दोस्तों है, ताकि इससे भी 100% समस्या यही आती है कि कैसी ख़राब होने का मेन कारण यही होता है दोस्तों। और ये देखिए इसके मैंने कम्प्लीटली बूश वगैरह कम्प्लीट लगवा दिए हैं और अभी इसको कम्प्लीट सफाई करके धोने के बाद में ना इसको कम्प्लीट सेट करूँगा दोस्तों। ये देखो इस हिसाब से ना ये देखो दोनों साइड में इसके भी मैंने कंप्लीट बूश लगा लिए हैं यहाँ पे, ये देखो इस साइड में भी कंप्लीट बूश लगा लिए हैं एकदम परफेक्टली, अब कैसी के अंदर बिल्कुल भी गैप नहीं है। तो देखो इस हिसाब से ना इसके थोड़ा मैंने स्टीयरिंग का काम था वो स्टीयरिंग का काम मैंने कंप्लीट कर दिया है दोस्तों। ये